तो गाइस कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि ब्लड लाइन को खत्म करने के बाद ये जो अब रोमन रेंज जाएंगे अगेंस्ट द वन एंड ओनली द नाइटमेयर कॉरिडोर फॉर देयर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो यहां पर हारेंगे रोमन रेंज। जी हां दोस्तों, सुनने में काफी बुरा लग रहा होगा लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन आ चुका है। वेल, जानेंगे इस वीडियो में क्या है वो रीजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज लाइक के बगैर कहीं मत जाना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि एनी टाइम आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारे द वन एंड ओनली नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में, जो कि अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन चल रहे हैं, एंड साथ साथ रोमन रेंस के बारे में भी। तो इन दोनों का मैच जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे कि इन्होंने अपने जो ये सेगमेंट वगैरह के दौरान जो है उसके बाद जो यहाँ पर बताया कि हम जो है यहाँ पर पहले ब्लड लाइन को निपटा लेते हैं, देन आफ्टर दैट भी हम आपस में फाइट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा था। एंड आफ्टर दैट एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, न्यूज़ या फिर आप रूमर भी कह सकते हो कि भाई रोमन रेंज जो है यहाँ पर हारने वाले हैं अगेंस्ट द कोडी रोड्स। और ये मैच जो है जैसे कि कई लोगों का मानना था कि भाई रेसलमेनिया में होने वाला है ये मैच रेसलमेनिया में होगा, तब तक ब्लड लाइन का ये सेगमेंट खत्म है वो सेगमेंट। नहीं जी दोस्तों, ये रेसलमेनिया में भी नहीं होने वाला है। रेसलमेनिया से पहले WWE के प्लान्स हैं इस मैच को वो फाइनली कैसे ना कैसे करके इसकी स्टोरी लाइन, इसकी फ्यूड पूरी तरह से खत्म कर देगी। रोमन और मतलब इनका जो कोडी का जो मैच है वो जो है एक्सपेक्टेडली रॉयल रंबल या क्राउन जूल तक जो है हो जाएगा, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। बट यहाँ पर जो है जब भी ये मैच होगा टाइटल चेंज नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंस इस बार नहीं हराने वाले हैं कोडी रोड्स को, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड इसके पीछे जो है यहाँ पर बताया जा रहा है इस मैच की जो एंडिंग हो सकती है मे बी अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके भाई काफ़ी सारे भाई हैं, पूरा परिवार है, कोई ना कोई हर बार उठ के आ सकता है, तो मे बी इस बार कोई भी आ जाए। अब हो सकता है भाई वो द वन एंड ओनली द लेजेंडरी द इलेक्ट्रीफाइंग रॉक हो, या फिर वो हो उनके नए भाई ज़िलाफ़ट टू, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में से और भी बहुत लोग, तो वो हो सकता है। बट किसी को पता कि क्या ही होने वाला है आगे। वेल, ये कुछ रूमर और एक काफ़ी बड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होगा। वेल, यही तक का था आज का ये वीडियो। क्या आपको लगता है कि क्या रोमन को जीतना चाहिए, एंड क्या ये प्लान्स आगे जाके चेंज हो सकते हैं कि नहीं, आप ये मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। वेल, ये वीडियो सिर्फ यही तक का था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि आने वाले टाइम आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो वी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।